सब्सक्राइबर है सारे के सारे। तो दोस्तों होता क्या है, आप लोग ना जो मेरे ब्लॉग या फिर वीडियो पे पहले कमेंट कर देते हो, आप लोग पहले पूरा ब्लॉग देखा करो उसके बाद कमेंट करो करा करो ठीक है। आप लोग पहले कमेंट कर देते हो तो फिर आपको वीडियो समझ नहीं आती। आप है पहले पूरी मेरी ब्लॉग देखो, आपको जैसा लगे वैसा कमेंट करो ठीक है। आपको मतलब गाइज मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बट आप क्या करते हो, आप पहले मतलब थोड़े से वीडियो देखते हो और कमेंट कर देते हो। आप लोग पूरा ब्लॉग देखने के बाद उसके बाद कमेंट करो और गाइज सब्सक्राइब करके कमेंट करा करो, उससे क्या होगा आपका जो कमेंट है सबसे ऊपर दिखाएगा टॉप में ठीक है। यो जिगर के छल्लो, कैसे आप सब, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं फरीदाबाद। तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 8 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग ठीक है। तो ये ब्लॉग जो है थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे दोस्त को है फरीदाबाद में काम है ना। तो मेरे पीछे दोस्त खड़ा हुआ है, बोल रहा हेलो भाई हेलो। तो ये है मेरे दिवाकर दोस्त, तो मेरे क्लासमेट है ठीक है। तो इसने तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले, तो अभी हम आ चुके हैं मोन स्टेट मेट्रो ठीक है। ये है सामने हमारे लिफ्ट, तो इस लिफ्ट से जाएंगे हम ऊपर। चलो भाई चलते हैं। ये टोकन, चलते हैं ऊपर। अरे वहाँ चलना पड़ेगा ना, उस साइड से, उस साइड चलना पड़ेगा ना फरीदाबाद। तो सही है, अब भाई जाना पड़ेगा देख लियो। अबे इधर से इस साइड जाएगी, दोस्तों फाइनली आ चुके हैं लिफ्ट में और ऊपर हम यहाँ से जा रहे हैं फरीदाबाद। तो हम अभी जा रहे थे गलत जगह पे, बट अभी हमने सही लिफ्ट पकड़ ली है और इससे हम आ चुके हैं राइट जगह पे। तो अभी मैंने जस्ट, एक अंकल थे हमारे पीछे वाले अंकल, तो इन्होंने ना मतलब लिफ्ट ना बंद कर दी थी, बट मैंने जब हाथ लगाया ना तो वो लिफ्ट खुल गई। और फिर अंकल ने हमें बताया कि ऐसे हाथ मत लगाया करो, क्योंकि गाइस पता है क्या हुआ, ऐसे ना एक छोटे से बच्चे का, मतलब मेरे से थोड़ा छोटा था, उसका हाथ दब गया था ठीक है। तो आप कभी भी ये ट्राई मत करना, कभी भी हाथ वाथ ऐसे मत लगाना ठीक है। पीछे मेरे आ चुके मेट्रो, पर वो हमारी साइड की नहीं आई, पर अब जो दूसरी मेट्रो आएगी उसमें हम जाएंगे, ये और मैं, हम दोनों जाएंगे। तो टाइम हो गया है गाइज, 8 बज चुके हैं और अभी गाइज आप सब बोलते हो कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ, तो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मैं मतलब अब अपनी स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। तो मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, अब आपको मेरी एक एक बात समझ आ रही होगी है ना गाइज। तो अभी हम वेट कर रहे हैं मेट्रो का, तो उस साइड तो गई नहीं, इस साइड से आएगी फरीदाबाद के लिए। तो हमने पता कर लिया एक भाई से, तो उन्होंने हमें बता दिया ठीक है। तो मेरा दोस्त पीछे खड़ा है, बाकी वो इन्जॉय कर रहा है। हेलो भाई, इधर आ भाई, क्या है भाई? अच्छा भाई सारे ब्लॉग देखता है? नहीं। हाँ भाई सारे कैसे लगते हैं भाई ब्लॉग? बढ़िया लगते हैं। बढ़िया लगते हैं, अच्छा भाई। भाई मैंने कल कौन सा ब्लॉग डाला था? अच्छा ये नहीं पता, कोई बात नहीं, भाई ने वाला ब्लॉग नहीं देखा, पर भाई सारे ब्लॉग देखता है। और हाँ सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, पैसे लग रहे, सब्सक्राइब कर लो ठीक है। A few moments later. ये उनकी मेट्रो, चलते हैं मेट्रो के अंदर। काफी भीड़ हो रखी है गाइस, भीड़ तो एक नंबर हो रखी है। दिवाकर है क्या? पहुंच चुके हैं बरखंड मोड पे, तो अभी हमें जाना फरीदाबाद। तो वो जो स्टेशन है 2-3 स्टेशन के बाद है मेट्रो के, तो अभी मैंने लोकेशन पे देख लिया है, तो हम पहुंच जाएंगे 10 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। बाकी मेट्रो बहुत फास्ट चल रही है हमारी, और मुझे कितना टाइम हो, पहुंचवी स्विच ऑफ हो गया यार, चार्ज करके लाया था मैं घर से, सुबह चार्ज लगाया था, उसके बाद 1 से 2 घंटे चलती है वाली वॉच, नई वॉच लेनी है यार, दिमाग खराब हो गया है। इसमें टाइम देख रहा था, पर टाइम तो पूरा डल ही चल रहा है टाइम, ऐसा मान लो यार। अभी थोड़ी देर बाद जस्ट पहुंच जाएंगे हम, कौन से आ गया, बरखल मोड आ गया है, इससे पहले 17-18 था, उसके बाद हमारा जाएगा ओल्ड फरीदाबाद, फिर हमारा स्टेशन आएगा जहाँ पे हमें उतरना है ना। वेट कर रहे, देखते कब तक आता है। चलो फिर ब्लॉग में पूरे बने रहना, बाकी आपको पता चल जाएगा हम किस लिए जा रहे हैं फरीदाबाद है ना गाइस। फ्यू मिनट्स लेटर,
पाएगा, कोई बात नहीं भाई। भाई फुल हो गई है पूरी लिफ्ट, जा रही नीचे, उसके बाद हम जाएंगे नीचे। निकलो भाई निकलो बाहर, तुम्हें शर्म है कुछ? बाय 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 बाय। लिफ्ट हो चुकी पूरी फुल, अभी हम दोनों जैसे हम अंदर जाने वाले थे, फिर भाई मतलब उसे बोलते ना पैर रखने की जगह, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह थी, और लिफ्ट बाकी जा चुकी है, उसके बाद हम भी जाने वाले हैं बस नीचे। ये नहीं हमारी लिफ्ट, पीछे हमारी प्यारी प्यारी सी लिफ्ट, वो लोग ये गए, उसके बाद अब आ रहे बंदे, उसके बाद निकलते हैं। भाई यहाँ की जो मेट्रो है ना, मतलब मेट्रो के जो यहाँ पे वो बैठते हैं, एम्प्लॉयज बैठते हैं, वहाँ मैंने पूछा कि हनुमान मंदिर कहाँ पे, तो भाई उन्होंने मुझे मना कर दिया। भाई यहाँ की जो सर्विस है ना बहुत बेकार है। कहाँ की भाई? फरीदाबाद है ना भाई? फरीदाबाद की एक नंबर बहुत बेकार सर्विस है, आप कभी आते हो तो, एक नंबर बेकार है गाइस, सच बता रहा हूँ। चल डाल ये, अब मेरी टर्न, खुल गया। चल भाई एग्जिट एग्जिट। तो यहाँ इस वाले चलते अभी बाहर, तो अभी बस आ चुके हैं ओल्ड फरीदाबाद, तो यहाँ पे लोकेशन हमें दिखा रहा था है ना, तो यहाँ से चलते हैं। एक ये, एक ये वाला है, एक ये वाला है, इस वाले चलते हैं। गेट नंबर 1 से हम आ रहे हैं नीचे, कोई बात नहीं यार, यहाँ से भी चल सकते हैं। भाई बाकी आ चुके हैं फरीदाबाद के बाहर, तो यहाँ कोई भी, यहाँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा ऐसा, रिक्शा वगैरह। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे बोर्ड लग रखा है साफ साफ, ओल्ड फरीदाबाद हम आ चुके हैं। अंकल हनुमान मंदिर यही वाला, यही फरीदाबाद वाला, यही तो है। भाई कितना बड़ा मंदिर है भाई, जय हनुमान जी की जय। अभी पास दर्शन करेंगे, अभी चल रहे पास दर्शन करेंगे आराम भाई। सो दोस्तों जैसे कि मैं आ चुका हूँ फाइनली अभी हनुमान मंदिर, जो कि है यहाँ पे फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर है, कुछ बदकल करके। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा पूरा, और अभी अंदर जाते हैं, अंदर आपको दिखाता हूँ मैं अच्छे से है ना। तो अभी मैं जस्ट अभी मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए, उसके बाद उतरा, पीछे मेरा दोस्त खड़ा है, उसके बाद हम हाथ पैर हाथ वाथ धो के अभी अंदर दर्शन करके आपको पूरा अंदर से दिखाता हूँ एक बार, ठीक है? इससे पहले अंदर चलते हैं। जय बजरंग बली। तो गाइस आप देख सकते हो सामने कितनी बड़ी मूर्ति है हमारे हनुमान मंदिर, हनुमान जी की देख सकते हो गाइस सामने कितनी बड़ी मूर्ति है। तो अभी आपको एक बार पास से दिखाऊंगा, और यहाँ पे हमारा भाई फोटो खिंचाएगा भाई।
अच्छा फोटो वोटो नहीं खिंचवाएगा तो हम, हाँ भाई तो भाई यहाँ सारे क्या फोटो खिंचवा रहे भाई? तो भाई यहाँ सारे भाई लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं और देख रहे हो कितनी बड़ी मूर्ति है गाइस, कितना अमेजिंग सा भाई, बहुत मस्त लग रहा है यार देखने में, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर से दिखाता हूँ गाइस आपको। ये तो ये सीढ़ियां हैं तो यहाँ पैर वैर छू के चलते ऊपर। जय हनुमान मंदिर की जय। अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर आपको दिखाते हैं। जय हनुमान मंदिर की जय। कर दी तो ये पूरा यहाँ पे माता, यहाँ पे लिखा हुआ है राम, मतु राम लिखा लो को जाकर। तो अभी मेरा दोस्त गया है उस साइड, तो अभी उसने मुझे बुलाया भाई आजा इधर, तो अभी वहां चलते हैं, वहां पूजा वूजा करनी है शायद उसको, तो थोड़ा यहाँ पे लाइटिंग प्रॉब्लम होगा यार, एडजस्ट कर लेना, भगवान की दरबार में आए। ये देख रहे हो गाइस बहुत बड़ी मूर्ति यार, मैं तो मूर्ति देख के शॉक्ड हो गया, और मैं आई भी गाइस फर्स्ट टाइम हूँ। और आसपास गाइस पूरा जंगल है, पहाड़ी टाइप का, पहाड़ी के वहीं पे है ये, है ना, देख सकते हो गाइस आसपास पूरा पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है आसपास मतलब पूरा, और यहाँ पे मतलब साइड में कोई नहीं है, यहाँ बीच में मूर्ति बना रखी है, और बहुत बड़ी मूर्ति है गाइस, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा घूमने में। और भाई बहुत तेज चल रहा है यार तू, तो मेरा दोस्त बहुत आगे चल रहा है और बहुत तेज चल रहा है यार। ये है इनका हनुमान जी का वो, जिनसे उन्होंने रावण को मारा था, देख रहे हो, इस चीज से रावण को उन्होंने मारा था, घींच घींच के मारते उनमें यही चीज जिससे उनकी हालत टाइट हो गई थी। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो मूर्ति कितनी बड़ी है, और गाइस यहाँ पे मतलब आसपास मतलब पहाड़ी इलाका है, बाकी देख रहे हो आप कितनी बड़ी मूर्ति गाइस, मैं तो फर्स्ट टाइम आया, तो सच में बहुत मजा आ रहा है यार देखने में। और अभी हमारे भाई ने पूजा वूजा सब कुछ कर ली है, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, यहाँ से निकलते हैं, है ना, रात के यार बहुत लेट हो चुके हैं, रात के 10 बज चुके करीब, है ना गाइस। तो अभी चलते हैं, मेरा दोस्त पीछे खड़ा है मेरा वेट कर रहा है, और एक भैया है जो कि मैं यहाँ से नीलम चौक तक छोड़ देंगे, उन्होंने बोल दिया है, मतलब वो भी जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, यहाँ चलते हैं गाइस, आपको एक बार और दिखा देता हूँ। बाकी गाइस ऐसे आप कभी भी आते हो तो ये वाला गेट है, आपको बोर्ड सामने मिल जाएगा इसका, ठीक है, तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो अंदर, है ना। बाकी हमारा भाई दे रहा है प्रसाद यहाँ पे सबको, पंडित जी को वो स्कूटी वाले भाई नहीं, फिर वो अपाची वाले। अच्छा, तो यहाँ पे हमने शूज पहन रहे हैं हम दोनों भाई, तो यहाँ पे भाई और हम दोनों पहन रहे जूते, तो फिर जूते पहन के यहाँ से निकलते हैं। Few minutes later. So, दोस्तों अभी हम दोनों को मतलब इससे और मुझे मतलब जहाँ पे वो मंदिर है ना, तो उसके बाहर कोई ऑटो और रिक्शा नहीं आता, मतलब वहाँ पे कोई रिक्शा, आप वहाँ से आ सकते हो बट वहाँ से जा नहीं सकते, ठीक है, तो आप कभी भी आओ तो अपना बाइक वगैरह लेके आना। तो अभी हमारे साथ क्या हुआ गाइज, अभी हम एक पुलिस वाले के गाड़ी में आए, पुलिस वाले कार में आना गाइज मामूली बात नहीं है, फिर मतलब हम उसमें बैठे तो हमने बहुत सारी बातें करी इसने और मैंने, तो भाई बहुत बढ़िया बंदा था ना भाई, सही बंदा था भाई, बहुत बढ़िया बंदा था, उसने हमें बताया कि ऐसे घूमा वूमा मत करो गाइज, मतलब अकेले मत रहा करो, आओ तो फैमिली के साथ आओ, ठीक है, क्योंकि एरिया ठीक नहीं है, आपको पता होगा आजकल क्या हो रहा है ना। बाकी मेरे पीछे हाईवे है बहुत तगड़ा, तो सामने बाकी मेट्रो स्टेशन आ चुका है, हम अभी मेट्रो में बैठेंगे उसके बाद निकलेंगे घर यहाँ से। और गाइज क्या हुआ था, अभी हम बैठे एक पुलिस वाली गाड़ी में, तो उसने हमें बताया, तो वो भाई जिम करके आ रहे थे, सैल्यूट है सर को भाई, ऐसे पुलिस वालों को मैं तो सैल्यूट करता हूँ, है ना भाई, भाई बहुत बढ़िया पुलिस वाले, सैल्यूट है भाई। और गाइज उन्होंने हमें बताया कि ऐसे घुमा वुमा मत करो, ऐसा मतलब पहले बताया पुलिस वाले, हाँ तो पहले उन्होंने हमें बताया नहीं कि पुलिस वाले हैं, उन्होंने हमें बाद में बताया, मतलब एक सस्पेंस क्रिएट करके बताया कि वो पुलिस वाले, ठीक है गाइज, ऐसा हुआ अभी हमारे साथ। और फिर हमने उनसे पूछा, तो भाई मैंने तो वो ना वीडियो देख रहे थे, तो मैंने बोला भाई आप जो वीडियो है वो डेली डालते हो यूट्यूब पर, तो उन्होंने बोला हाँ मैं डेली यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ, और मतलब एक वीडियो डेली डालते यूट्यूब पर वो जिम की, तो वो जो पुलिस वाले सर थे वो ना मतलब जिम करके आ रहे थे, तो उन्होंने अपलोड करी थी एक वीडियो अपनी, किस पे FB पे करी थी, है ना, तो FB पे करी, उसके बाद इंस्टा पे करी, तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मतलब मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, तो मैंने उनसे चैनल सब्सक्राइब करवा लिया गाइज, बहुत मजा आया मुझे करवा के, और मैंने भी उनके चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। तो गाइज अभी चलते हैं आगे मेट्रो के अंदर, तो अभी लिफ्ट ये रही हमारे पीछे है हमारी लिफ्ट, तो लिफ्ट में चलते हैं, चलो।
मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं, तो यहाँ से हम पकड़ेंगे मेट्रो, उसके बाद निकलते हैं घर। अभी टाइम हो रहा है 10:30 कुछ टाइम हो चुका है, तो अभी हमें जल्दी यहाँ से घर निकलना है और उसके बाद हमें वहाँ से ऑटो भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि गाइस वहाँ पे भी पैदल यार बहुत दूर पड़ता है, ठीक है। इसलिए क्या यार, आराम से जाओ, भाई ने बोला है कि सिंपल रहो, ठीक है। तो उन पुलिस वाले अंकल ने मुझे बहुत सारी बातें बताई है, तो वो मैं आपको आराम से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम हो चुके हैं बहुत लेट, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। मोनी स्टेट लेता हूँ, दो मोनी स्टेट लेता, 80 रुपये। भैया यहाँ 100 का नोट ले लेता है भैया, हर मशीन में 100 का नोट चल जाता है। बंद हो जा सिम सिम। अभी बैठ चुके लिफ्ट में और पहुंच रहे हैं ऊपर, वो ऊपर नहीं यार, मतलब यहाँ पे स्टेशन के पास, मतलब मेट्रो के पास यार, मेट्रो के लिए है ना। तो बाकी शीशे जो लगा रखे ना, ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है यार, यहाँ पे देख रहे हो शीशे लगा दिए देखने के लिए, मतलब अपना लुक वुक देख लो। बाकी पूरा स्टेशन खाली है यार, देख रहे हो पूरा यहाँ से वहाँ तक स्टेशन खाली है, और भाई वहाँ सेल्फी ले रहे हैं सामने, और यहाँ से यहाँ पूरा कोई नहीं है गाइस स्टेशन पे, है ना, हमारे सिवा मतलब एक अंकल जी है सामने और ये मैं, और कोई नहीं है गाइस, पूरा स्टेशन खाली है यहाँ पे। तो टाइम हो रहा है अभी गाइस कुछ 10:30 होने वाले हैं, 11 बजने वाले, तो 10:50 हो चुके हैं, 1 मिनट कम है। तो अभी करते हैं मेट्रो का वेट, तो इस साइड से आएगी मेट्रो, है ना। क्या हुआ, अभी टाइम हो रहा है 9:50, कहाँ लेगा शीशे मिलेगा। चल भाई, तो भाई ने बोला सेल्फी लेने के लिए, तो लिफ्ट खुल गई है, कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो हम ले लेते सेल्फी, भी थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे और इंजॉय करते हैं। सेंसर खराब नहीं है इसका। A few moments later. पीछे जो है मेरी लिफ्ट वाली खराब हो चुकी है, और यहाँ पे पूरा खाली है स्टेशन, कोई भी नहीं है इसके और मेरे सेवा। तो अभी अभी अब आ रहे हैं, मतलब एक दो अंकल आ चुके हैं, बाकी कोई भी नहीं है, और पीछे एक मेट्रो आ गई है हमारे, देख रहे हो मेट्रो आ रही है, मतलब स्पीड से फुल यार। और यहाँ पे जो ऊपर लाइट लगी हुई है पूरी बिलिंग कर रही है, मतलब चल नहीं रही है, और लिफ्ट तो खराब है, मतलब लिफ्ट तो यार, मतलब आज जो मुझे ना, मतलब बहुत खुशी हुई है गाइज, कि मतलब मैं ब्लॉग करते 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 करते, तो गाइज मेरे कुछ 2K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी जल्दी 3K करवाते हो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लिया करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, मैं इतना दूर दूर जाता हूँ ब्लॉग बनाने, आप सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। पूरी खाली है गाइज मेट्रो जो आ चुकी, पूरी खाली है, पूरी यहाँ से वहाँ तक पूरी। चलो फिर चलते हैं अंदर, खुल जा सिम सिम, खुल गया। देख रहे हो पूरी खाली है गाइस, यहाँ से वहाँ तक पूरा, कोई भी नहीं है, यहाँ बैठते हैं ना, आजा। टहल क्या है थोड़ा आगे से, अरे आना। देख रहे हो गाइस यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं है हमारे सिवा, इसके और मेरे सिवा, पूरा खाली है मेट्रो, और ये एक दो बंदे बैठे पड़े और बाकी गाइस पूरा खाली, देख लो देखो। तो ये और मैं आ चल रहे आगे ना, तो ये और मैं अभी पूरे मेट्रो में टहल रहे हैं, क्योंकि गाइस पता क्या हुआ, आते वक्त इतनी भीड़ थी, तो मैं उनके सामने ब्लॉगिंग कर रहा था, तो वो पता क्या सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे पता नहीं क्या कर रहा है यार, मतलब उनको ये भी नहीं पता कि मतलब ब्लॉग नाम की भी चीज है, वी ब्लॉग है ना। चलते हैं यार, तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो रखा है, देख रहे हो मेट्रो, बाकी पूरा क्लीन है, और मतलब इसकी सर्विस हो जाती है। मुझे एक बात अच्छी लगी मेट्रो में, कि जो फर्स्ट डब्बा है एंड जो लास्ट डब्बा है, जो फर्स्ट बॉक्स एंड लास्ट बॉक्स, वो वुमेन्स के लिए है, ऐसे आप उसमें चढ़ते हो तो है ना, ऐसा आप उनमें बैठते हो तो उसका अलग से फाइन है, ठीक है, तो उसमें आप नहीं बैठ सकते, वो सिर्फ लेडीज के लिए है, वहाँ पे सिर्फ वुमेन जा सकते हैं। तो मैं एक बार क्या हुआ गाइस, मैं उसमें गलती से चढ़ गया था, तो मुझे पता नहीं था कि यार उसमें शायद फाइन भी लगेगा, तो मुझे एक लेडी ने बताया कि आप उसमें जाओ, आप उसमें बैठते हो तो उसका फाइन भी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा तुरंत यार, वहीं के वहीं तुरंत मैंने चेंज करा। भाई सुन, तू कभी लेडीज डब्बे में चढ़ा है? एक बार चढ़ा था। एक अच्छा, तो उसका तेरा फाइन लगा था या फिर मतलब बच गया था? बच गया था। बस तुझे किसी ने बताया था? नहीं नहीं। अच्छा, तुझे पता था मतलब? लड़कियां टोक रही थी कि साइड में चली जाओ, साइड में। अच्छा अच्छा, तो भाई से लड़कियां बार बार टोक रही थी, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बता दूं, आप कभी आओ तो लेडीज बॉक्स में मत चढ़ना, आपको फाइन लग सकता है, उसमें कुछ 500 तक का फाइन आराम से लग सकता है। तो देखो कोई बिना वजह का, तो आप पैसे अपने वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इसलिए उस बॉक्स में मत चढ़ना, ठीक है। तो मैंने पूरा मेट्रो यहाँ से वहाँ घूम लिया है, और
यहाँ पे पूरा यहाँ से वहां तक है ना। तो गाइज अभी बैठते एक जगह और फिर बातें करते हैं। तो भाई की फोटो वोटो खींचनी तो पहले फोटो शूट कर दो भाई का है ना। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं नीलम चौक। तो और अभी हमें जाना है, कहाँ जाना भाई? मोन स्टेट। तो मोन स्टेट कहाँ पे है, कितने स्टेशन के बाद है? तो हमारा मोन स्टेट, ये रहा मोन स्टेट। तो अभी हमारा स्टेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 के बाद हमारा मोन स्टेट है। तो उसके बाद हम उतरेंगे यहाँ से। तो अभी दरवाजे की साइड, इस साइड खुल रहे, तो देखते कौन आता है। खुल जा सिम सिम, खुल गया, एक बार बाहर जाऊं। चलो अंदर चलते हैं यार, डर लगता है, मतलब कभी कभार ये गेट जो है बंद भी आता है ना। तो बाकी यार ऐसे आपने एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप भाई तूने ऐसी पूरी खाली मेट्रो में कभी सफर करा है, मतलब खाली मेट्रो में तूने नहीं करा? अच्छा, मतलब पहली बार है। तो गाइस इसका भी पहली बार है और मेरा भी पहली बार ही है, मतलब मैंने और इसने एक साथ सफर करा है खाली मेट्रो में पहली बार। क्योंकि पता है गाइस क्या होता है, हमने अब तक जितनी मेट्रो में बैठे ना टिकट, सारी मेट्रो भाई फुल, मतलब सारी मेट्रो फुल फुल मिली है ना। मतलब जितनी मेट्रो में बैठे आज तक कहीं भी गए, गोविंदपुरी हो गया या फिर आपकी दिल्ली के किसी भी कोने में, सारी मेट्रो में फुल मिली है। और बाकी पूरे मेट्रो में मैं ही बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोल रहा है ना भाई, अभी तो बोल रहे हैं ना, अभी तो मस्ती करते जा रहे हैं और कोई भी नहीं है, और सब शांति से बात कर रहे हैं, फोन पे लगे पड़े हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आप सबको इसका इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो ये है मेरा क्लासमेट दोस्त, ठीक है? तो काफी हम अच्छे दोस्त है। तो भाई तेरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम है दिवाकर। दिवाकर भाई का पूरा नाम दिवाकर है? दिवाकर सहानी। दिवाकर सहानी भाई का नाम है। तो भाई तू यहाँ पे मतलब जो मंदिर गए थे अभी हम गुड़गांव पहाड़ी वाले मंदिर, तो वहाँ पे तू तूने कब मतलब बीच कब मांगी थी? पेपरों के पहले विश मांगी थी। तो भाई की विश कंप्लीट हो गई, तो इसलिए भाई आया था यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने। तो भाई ने प्रॉपरली प्रसाद चढ़ाया और हम मतलब मैं इसके साथ आया, तो ये मुझे बोल रहा था भाई की मुझे तो दिन से बोल रहा था भाई मुझे यहाँ पे चलना है। तो आज इसने फाइनली, मैंने इससे बोला भाई कल चलते हैं, पर पता क्या होगा इसकी जो विश है वो आज कम्प्लीट, मतलब आज को चढ़ाना था है ना, आज का बोल रखा था। तो देखो दोस्तों होता क्या, ऐसे आप कोई कभी विश मांगते हो तो वो जो विश है वो आपको जिस दिन कंप्लीट होती है तो और जिस दिन आपने बोल रखा होता है वो आपको उस दिन प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, ठीक है? अदरवाइज आप नहीं, अदर डे आप क्यों चढ़ाओगे यार, ठीक है? तो अभी क्या हुआ, अनाउंसमेंट हुआ है, तो ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी। तो अभी ट्रेन मेट्रो जो भी बोल लो यार, तो अभी दूसरी मेट्रो आएगी उसमें बैठेंगे आराम से, फिर चलेंगे ना भाई। क्या यार सीन हो गया मतलब है ना, अरे बड़ा बेकार लग रहा है, अच्छा खासा एसी में बैठे हुए थे, एसी से भगा दिया यार, बड़ा दिमाग खराब होता है यार हमारा ऐसी जगह में, पता है? चूंकि कश्मीरी गेट पे, ठीक है? तो कश्मीरी गेट से हम अभी दोबारा चेंज कर रहे हैं मेट्रो, क्योंकि उस मेट्रो में कुछ दिक्कत आ गई है, पता नहीं कुछ इफेक्ट आ गया है, इसलिए वो जो मेट्रो है वो आगे तक नहीं जाएगी। तो इसलिए हम अभी यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं मेट्रो का, उसके बाद चलते आगे। और बाकी यार बड़ा मस्त मस्त गाने चल रहे हैं आगे, मतलब वहाँ पे हम खड़े थे भाई, इधर आइयो, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आपको पता होगा कावड़ का टाइम है, तो कावड़िया बहुत सारे मतलब जा रहे हैं यहाँ से, कावड़िया आ रहे हैं है ना, है कश्मीरी गेट है ना, कश्मीरी गेट पे भाई खड़े मेट्रो का वेट कर रहे हैं अभी, मैंने जैसे आपको बताया। और बाकी पीछे से म्यूजिक की आवाज आ रही है, क्योंकि कावड़िया जा रहे आ रहे हैं वहां से, है ना, है फंस गया। अच्छा भाई एक बंदा शायद अंदर फंस चुका है, जल्दी देखते एक बार उसको, गाइस अंदर एक बंदा फंस चुका है, जल्दी पकड़ते उसको यार, अंदर फंस गया एक बंदा, पकड़ो पकड़ो गाइस, देखो यार उसको निकालो यार गाइस, वो बंदा, अबे यार ये तो मेट्रो वाले अंकल है यार, अरे अरे यार हमें लगा फंस गया। गाइस वो फंसा नहीं है, वो मतलब मेट्रो चलाते हैं, जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट करा था कि मतलब इस मेट्रो से उतर जाओ, ये मेट्रो आगे तक नहीं जाएगी, किसी मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी मेट्रो में, इसलिए है ना। तो टाइम हो रहा है पूरा 10:10 हो चुके हैं, ठीक है गाइस परफेक्टली, तो बस चलते हैं अभी। कावड़ के डीजे बज रहे पीछे, बाकी इस मेट्रो की वजह से हमें देखना नहीं मिल रहा यार, ऐसे ही मेट्रो हटे था हम उसको दिखाए है ना भाई, ये मेट्रो बीच में खड़ी होगी यार, दिमाग खराब कर दिया इस मेट्रो ने हमारा। भाई 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 मेट्रो चल पड़ी, भाई भाई मेट्रो चल पड़ी पूरा फाइनली। भाई मेट्रो में कितने डब्बे होते टोटल? टोटल डब्बे कितने होते मेट्रो में? चल गिनते हैं, 1-6 होते ना शायद, 6-7 डब्बे होते हैं मेट्रो में। गाइज मुझे इसमें तो 6-7 है, ऐसा एक बार कमेंट करके बताना मुझे कि कितने मेट्रो में डब्बे होते, ठीक है? बाकी ये पटरी यहाँ की देख रहे हो पटरी गाइज, इस येलो लाइन जो है ना गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, मतलब जगह जगह पे यहाँ पर नोटिस दे रखा है कि आप इस येलो लाइन से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे गिरने का डर होता है, ठीक है? बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। थूकना मना है, जुर्माना 200 रुपये, स्पिटिंग इज प्रोबेटेड, फाइन 200, ठीक है? तो मेरे दोस्त ने भी नहीं थूका, मतलब थूक दिया है, ठीक है यहाँ पे साइड में, तो 200 रुपये से भरने पड़ेंगे। मैं 200 रुपये भरेगा तू भाई? मैं तो नहीं भरूंगा, 200 रुपये नहीं भरेगा भाई, ये भाई फ्री में जाएगा, फ्री में जाएगा भाई, 200 रुपये नहीं भरेगा। आ जा आगे चलते हैं।
भाई यहाँ पे भी लोग बैठे पड़े हैं बाकी, और ये रही माइक जिनमें से आवाज आती है। गाइस जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इस वाले उससे होती है, इन स्पीकरों से होती है, और बाकी आप निगरानी में हो सीसीटीवी के। एट जेड सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ये भाई कहाँ का रूट है भैया? वाला रूट कहाँ का? ये वाला रूट कश्मीरी गेट का है। अच्छा, और ये वाला? ये भी कश्मीरी गेट जाता है क्या भैया? सरता विहार वाला। अच्छा, तो ये वाला भाई ने बताया सरता विहार वाला, ये वाला जाता है और ये था कश्मीरी गेट। ठीक है, क्या ये भी सरता विहार जाता है? अच्छा, अभी ये मेट्रो रुकती हुई गई जो हम उधर से आए थे, वो मेट्रो वाले ने बोला कि आप बाहर उतर जाओ। हाँ हाँ, ऐसे ही मेरा चैनल है ना। अच्छा अच्छा, स्टॉपेज होता है वो। अच्छा, तो चलो भाई वेट करते हैं। भाई ने बताया कि मतलब दोनों साइड से, बाकी हम यहाँ से सरता विहार जा सकते थे, इससे भी सरता विहार जा सकते हैं और उससे भी सरता विहार जा सकते हैं। ठीक है, तो इधर से जो मेट्रो आएगी उससे हम निकलेंगे सरता विहार के लिए। चलो ये भी पूरी खाली है, आगे मेट्रो इसमें मत बैठे, आगे वाले बैठेंगे। इसमें भी भाई घूमेंगे बढ़िया से, एक नंबर मेट्रो भाई, पूरा खाली है इधर से उधर तक। यहाँ बैठ आगे चलेगा। देखो भाई बाइक वाला जा रहा है सेटिंग के साथ। अच्छा, हमको सिखा रही है। वो देख बाइक वाला सेटिंग के साथ जा रहा है अपनी। भाई बाइक वाला सेटिंग के साथ जा रहा है, आप भी कमेंट करना, आपको भी जाना सेटिंग के साथ उसकी। हाँ भाई, अच्छा खासा काट दिया है, वहाँ से टोकन कटवाया, यहाँ उतरे, इस मेट्रो में चुल्लो हो चुकी है, उतर जाओ। तो हम उतर गए, हम दोनों भाई हैं ना भाई, छूते काटा ना भाई हमारा अच्छा खासा। तो भाई हमारा हो गया टाइम वेस्ट, मतलब जहाँ मैं जानता वो हम नहीं पहुँच पाएंगे टाइम पे, है ना। तो अभी दूसरी मेट्रो आई है, ये भी जाती है हमारा मोर स्टेट। ठीक है, जाते ना मोर स्टेट नहीं जाती, तो मोर स्टेट जाती है वाली मेट्रो, तो यहाँ से हम निकलते हैं। ये मेरा भाई, दोनों पीछे हमारा भाई है, इन्होंने भाई ने बड़ी मस्त बात बताई है। हेलो भाई, भाई किसके फैन हो भाई आप? चित्तू को चलाके अपने आपके फैन है भाई, अपने आपके। ठीक है ना, फालतू नहीं होते। फिर खुलेंगे दाएं और बाएं दोनों तरफ। यार एक बात होता हूँ, मेट्रो में दोनों तरफ दरवाजे क्यों नहीं खुलते, ऊपर बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, दोनों तरफ खुलने चाहिए ना, बच्चा की बंदा यहाँ से आए तो वहां से कूद जाए, है ना। सही बात है ना भाई, मतलब यहाँ से आए, मतलब बंदा सीधा बैग लेके यहाँ से आए वहां से कूद जाए सीधा। बोझ आ रहे भाई, बोझ ले रहे, बोझ लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, समझे मेरी जान। एक ट्रेंड बहुत चल रहा है ये इंस्टा पे, ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा मेरी जान। हाँ भाई देखो भाई, सेटिंग बनानी है तो ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा ना मेरी जान। नहीं जान, इसमें साउंड सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना मेरी जान, वरना दोबारा ब्लॉग नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें। स्टेशन आ गया है मेरी जान, अब गेट खुलेगा दाएं और बाएं। मुक्त सेना खुल जा। खुल गया। खुल गया, खुलने के बाद जैसी मैंने कहा इस बोला खुल जा, वैसी खुल गया है। हाँ मेरी जान, बाय बाय ट्रेन, टाटा सब कुछ, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट बार। अब यार बंद हो गई, बहुत कोशिश करी थी खोलने की पर खुली नहीं यार। चल कोई नहीं, सीढ़ी चलते, आजा आजा भाई आजा। भाई इस बार मैंने हाथ लाने की कोशिश करी थी लिफ्ट को, पर यार हर बार की तरह खुला नहीं, बस थोड़ा सा रह गया यार। ऐसे मैं थोड़ा सा पहले और आता ना और मैं हाथ देता, पक्की बात रुक जाती। पर बार बार काम नहीं आती है मेरी जान, हीरो गिरी बार बार काम नहीं आती है मेरी जान। बाकी मैंने इस ब्लॉग में दिखाया गया इसकी, मैं और मेरा दोस्त गए थे हनुमान जी मंदिर जो के है ओल्ड फरीदाबाद गुड़गांव पहाड़ी पे। तो वहाँ पे गाइज हम रात को गए थे, तो क्या हुआ था गाइज, मेरे दोस्त ने मन्नत मांगी थी तो वो वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने गया था। आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ऐसा आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, एक कर सा कमेंट कर देना। तो मिलते गाइज नेक्स्ट वाला, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।